स्टैंडर्ड 12 में OCM में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। मैं आपको पहले बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप्स के मार्केट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट के टाइप्स पहला है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। गाइस ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या? ऑर्गेनाइज्ड मतलब सब कुछ अच्छे से अरेंज किया हुआ होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे जाते हैं, राइट। तो आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब रेगुलेटेड बाय आरबीआई, राइट। तो आरबीआई रेगुलेट करेगी तो ऑब्वियस है सब ऑर्गेनाइज होगा। इसमें कुछ भी चीटिंग होने का, ज्यादा रेट पे करने का, किसी के पैसे डूबने के चांसेस है नहीं, क्योंकि ये सब सिक्योर होते हैं ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई चेंजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी इन कंट्री एज पर रिक्वायरमेंट इन मनी मार्केट। इसके इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सब ज्यादा सिक्योर होते हैं। और ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में रेगुलेशन आरबीआई का होता है, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, ताकि आपको समझ में आएगा कि अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में फर्क क्या है। कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ एनी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन ऑन इट, किसी भी इंस्टीट्यूशन का इसके ऊपर रेगुलेशन होता नहीं। हालांकि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आरबीआई का रेगुलेशन होता है। जो भी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, परचेज सेलिंग इश्यू, सब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन के बगैर होता है। और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट या पार्ट है मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड, फोन, इंडिजिनियस बैंकर्स, श्रॉफ एटसेट्रा, राइट। और ज्यादातर अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट रूरल एरिया में डेवलप हुए हैं, हालांकि अब अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलते हैं, राइट। अच्छा, टॉपिक नंबर टू है व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से? टोटल फाइव इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से पहला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई एक इंस्ट्रूमेंट इश्यू करता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट। ट्रेजरी बिल की लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी एज द मैच्योरिटी डेज इज 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज। तो ये लिक्विड होता है ट्रेजरी बिल, क्योंकि 91 डेज के बाद उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, 182 डेज या फिर 364 डेज। ट्रेजरी बिल एक जीरो कूपन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट कभी भी पे करा जाता नहीं। अगर इंटरेस्ट पे नहीं करा जाता है तो इनकम क्या है ट्रेजरी बिल? देखो, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इश्यू करती है, राइट। तो वो ट्रेजरी बिल की प्राइस है 25,000, राइट। तो अगर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इश्यू करती है तो पीपल यानी कि हम उसे परचेस करेंगे 23,500 में। तो हमें कितने देना पड़ा अभी? 23,500 बदले में ट्रेजरी बिल मिल गया। जब ये मैच्योर हो जाएगा उसके बाद हमें वापस कितना मिलेगा? 25,000, राइट। तो रिडीम एट पार, इश्यू डेट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इश्यू होता है, और रिडीम एट पार मतलब पार जो मेन प्राइस है उसी पे रिडीम होता है। इसको लिए यही हमारी इनकम होती है डिस्काउंट, राइट। उसके बाद ऐसे भी बोल सकते हैं इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, और ट्रेजरी बिल को टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज ट्रेजरी बिल। सेकेंड इज अ कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर वर्ल्ड में 1980 के बाद पॉपुलर हुए। हमारे आरबीआई ने कॉमर्शियल पेपर को पहली बार इश्यू किया जनवरी 1990। ओके, अब बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर है वो है अनसिक्योर्ड, और ये शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रॉमिसरी नोट होता है। सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि कॉमर्शियल पेपर इज इश्यूड बाय कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन हैविंग हाई ग्रेड वर्थिनेस हुज फाइनेंशियल कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होती है और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ये इसको इश्यू करती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है इसके लिए इसकी, इसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं, राइट। उसके बाद कॉमर्शियल पेपर नेगोशिएबल है, इसके लिए ट्रांसफरेबल भी है, राइट। जनरली कॉमर्शियल पेपर मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इश्यू करे जाते हैं। और कॉमर्शियल पेपर के दूसरे नाम है फाइनेंशियल पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर, कॉर्पोरेट पेपर एटसेट्रा। जितने भी मनी के इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ये सब इंस्ट्रूमेंट ऐसे है जो 1 ईयर या उससे कम पीरियड के लिए इश्यू करे जाते हैं। और ये सब बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए
तो ट्रेजरी बिल इश्यू करेंगे तो ट्रेजरी बिल होता है सिर्फ एक लाख रुपए का, तो एक लाख रुपए का ट्रेजरी बिल, तो गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बिल देगी बदले में आपके पास से एक लाख रुपए लेगी। जब ट्रेजरी बिल मैच्योर हो जाएगा तब आप उसे गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल देना, गवर्नमेंट आपको वापस पैसे। तो ये सब इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट, राइट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट, राइट। पहली बात तो टर्म डिपॉजिट से ए अलग है, फिक्स टर्म डिपॉजिट होता है उसकी तरह है डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं होता, अलग होता है। ए अनसिक्योर्ड होता है, नेगोशिएबल होता है। जनरली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इश्यू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल भी है, उसे सोल्ड भी कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट नेगोशिएबल नहीं है, उसको हम सोल्ड कर सकते नहीं, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की प्राइस मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए। आफ्टर कॉमर्शियल बिल, देखो जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तभी कॉमर्शियल बिल इश्यू करेंगे। देखो व्हेन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, किसी ने गुड्स को क्रेडिट पे परचेस किया तो सीधी बात है किसी ने सेल किया होगा, राइट। तो जो ट्रेडर होता है, जो गुड्स सेल करता है, वो कॉमर्शियल बिल ड्रॉ करता है ऑन द ट्रेडर वो परचेज द गुड्स, मतलब सेलर परचेजर के ऊपर कॉमर्शियल बिल इश्यू करता है। कॉमर्शियल बिल अनकंडीशनल है और सॉरी कॉमर्शियल बिल नेगोशिएबल है एंड हमेशा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तभी कॉमर्शियल बिल अराइज होता है। दूसरी बात, कॉमर्शियल बिल अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट इन फुल, एक प्रकार का ऑर्डर है कॉमर्शियल बिल, ऐसा बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज बिल, मुंडी, इनलैंड बिल, डिमांड बिल, फॉरेन बिल एक्सेट्रा आर कॉमर्शियल बिल, राइट। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय द सेलर ऑन बायर उसे ट्रेड बिल बोला जाता है, एंड व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बिल इसे कॉमर्शियल बिल बोला जाता है, राइट। जनरली कॉमर्शियल बिल सेलर ही डिस्काउंट करते हैं, पर कई बार डिस्काउंटेड बाय कमर्शियल बैंक भी होता है। इफ बिल नीड्स मनी, राइट, देन बैंक डिस्काउंट इट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, राइट। जनरली इसका मैच्योरिटी होता है 30, 60 एंड 90 डेज। अब मैं आपको समझाता हूं, सेलर, राइट, सेलर ने गुड्स सेल किए तो बदले में क्या चाहिए उसे, उसे पैसे चाहिए, तो बायर है उसे कैश नहीं देना है, उसको क्रेडिट पे गुड्स परचेस करना है, राइट। तो सेलर क्या देगा, बायर को गुड्स भी देगा और बदले में क्या कमर्शियल बिल देगा। उस बिल में लिखा होगा कि एक्स वाई जेड को इस बंदे ने गुड्स परचेस किया था, तो ये बंदे मुझे इतना पैसे पे करने का वादा करता है, और उसमें क्या लिखा होता है, बैंक का उसका अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह वगैरह। अब सेलर है, से फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर, तो मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, राइट, और बैंक को बोलूंगा लीजिए कमर्शियल बिल, आज के आज मुझे पैसे दीजिए, कल का है कमर्शियल बिल है, तो बैंक क्या करेगी, से फॉर एग्जाम्पल 10,000 का कमर्शियल बिल है तो मुझे बैंक बदले में लेके 9,500 बैंक रखेगी, ये बैंक का कमीशन, राइट। अब बैंक को भी अगर पैसे चाहिए अर्जेंट में तो बैंक क्या करेगी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी और वो बिल डिस्काउंट करेगी। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, जब कमर्शियल बिल मैच्योर हो गए तब वो जाएगा बाहर के पास, राइट, घूम फिर क्या है, ये लो आपका मैच्योर हो गया मुझे पैसे दो, राइट। तो इस तरह से होते कमर्शियल बिल। नंबर 5, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। देखो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कुछ अमाउंट कैश डिपॉजिट, कैश रिजर्व बैंक को रखने होते हैं, जितना कैश है उसका कुछ रिजर्व, बट कहीं बार बैंक के पास से पैसे कम पड़ जाते हैं, रिजर्व नहीं होता है, या फिर कैश का कुछ क्राइसिस आ जाता है, तो बैंक जिसके पास कम मनी हो, किसी और बैंक के पास जिसके पास ज्यादा मनी है उसके पास से एक दिन के लिए पैसे बोरो करती, राइट, तो उसे बोलते हैं कॉल मनी, सिर्फ एक दिन का होता है इसके लिए, इसको ऐसे बैंक ही कर सकती है, इसके लिए इसको इंटर बैंक कॉल मनी भी बोला जाता है। मैंने जैसे बोला हर कमर्शियल बैंक को कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, तो बैंक क्या करेगी, एक दिन के लिए अदर बैंक से बोरो करेगी, जिसे कॉल मनी बोला जाएगा। नोटिस मनी मतलब एक दिन से ज्यादा, 2 से लेके 14 डेज का अगर कुछ इस तरह से लोन लिया गया, पैसा लिया गया है, तो उसे नोटिस मनी बोलेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, ए 5 ईयर ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल एंड कॉल मनी एंड नोटिस मनी, ए थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल के मार्केट में पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द लर्निंग।